हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू। चलिए जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं। आइए आज स्टार्ट करते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम, और वी कैन से सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके, आज पूरे 9 बजे। बिल्कुल बेटा, राम राम आप सभी को। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए पहला एक इंफॉर्मेशन दीजिएगा, क्या हमें इस जीत सीरीज से फायदा हो रहा है? सर प्लीज रोज यूट्यूब लाइव ले। भावना एक्सेप्टेड, कोशिश जारी है बेटा, आपको पता है बहुत अच्छे से। सर फार्मास्यूटिक्स की लाइव क्लास का क्या हुआ? मोहित, नेक्स्ट वीक से फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है? बस थोड़ा सा आप लोग स्ट्रेंथ को फोकस करिएगा, सारे बच्चों को मैसेज करिए, उनको लिंक शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ क्लास शुरू हो गई है और हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, थियरी क्लास है तो मुझे उम्मीद है आज बच्चे ज्यादा रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर दो। अजहर ममू, क्या क्वेश्चन है बेटा? जित सीरीज से फायदा ही फायदा है सर। ओके, हाउ टू स्कोर इन नाइपर, टिप सर एंड थैंक यू फॉर द नॉलेज। मोहम्मद असलम, बेटा नाइपर अभी तो फोकस की बात मैं नहीं करूंगा, अभी तो फोकस मेरा जीपैट है, ठीक है? जीपैट पहले क्लियर कर लें, उसके बाद नाइपर की बात करेंगे। हां जी बेटा, ये वीडियो रिकॉर्ड बाद में भी हो जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बच्चे, सर यू आर माई फेवरेट। ओके शिव प्रसाद, अच्छा जी, एड्रेनर्जिक सिस्टम, इसको देखने के बाद एक चीज मुझे समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम हमारे एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमारा जो एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वही हमारा यहाँ पे आता है। तो इसी सिस्टम को पहले हम बात करने वाले हैं, माइमेटिक ड्रग या मैं बोलूं एगोनिस्टिक ड्रग, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आता है, हम इसको क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बच्चों एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग, यानी एड्रेनर्जिक सिस्टम, या मैं पहले इसको बोल दूं क्या, सिंपैथोमाइमेटिक्स। मतलब जो सिंपैथेटिक सिस्टम में माइमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करें, मींस दीज आर द एजेंट विच प्रोड्यूस द माइमेटिक एक्शन ऑन द सिंपैथेटिक। अब आगे चल के यही पे हमारा आ जाएगा सिंपैथोलाइटिक आ जाएगा, अभी तो हम सिंपैथोमाइमेटिक बात कर रहे हैं, तो पहले हम सिंपैथोमाइमेटिक की बात कर रहे हैं। सिंपैथोमाइमेटिक मैंने आपको बोला, दीज हैव द एगोनिस्ट प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के जैसे ये एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अनीशा थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा है बेटा, बस मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं और होप सो आपको उसमें मैं सारी चीजें कंप्लीट करा सकूं। प्लीज थोड़ा सा मेरी बातों सुनिएगा। चलिए कहानी बनाते हैं। साक्षी, एक्चुअली बेटा थोड़ा उस समय टेक्निकल इश्यू हो गया था, सॉरी फॉर दैट, मैं जल्दी ही वो इंटरेक्शन क्लास फिर से ले लूंगा, ठीक है? चलिए अब पॉइंट आता है कि मेरा जो एड्रेनलिन की बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, एड्रेनलिन के बारे में बात हो रही है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि ये सिस्टम, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटेकोलामिन्स।
क्या बोलते हैं? कैटीकोलामिन्स ड्रग बोलते हैं, मतलब दीज आर द ड्रग विच हैव द कैटीकोल न्यूक्लियस। सबसे पहले कैटीकोल आता है, कैटीकोल का मतलब क्या होता है? द बेंजीन रिंग विच हैव द साइड वे टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कहलाता है क्या? कैटीकोल कहलाता है। अब अगर इसी में मैं सब्स्टिट्यूशन करके एमीन ग्रुप जोड़ दूं, अमीनो ग्रुप जोड़ दूं, अब ये मेरा क्या बन गया? कैटीकोलामिन्स बन गए। तो यहां पे जितनी हमारी मेजर ड्रग होंगी, जितनी भी हमारी मेजर ड्रग होंगी, वो हमारी क्या कहलाएंगी? कैटीकोलामिन्स डेरिवेटिव कहलाएंगी। दो क्लास की ड्रग आएंगी, एक कहलाएगी कैटीकोलामिन्स ड्रग और दूसरी कहलाएगी नॉन कैटीकोलामिन्स, जिसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन कैटीकोलामिन्स, और जिसमें प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा कैटीकोलामिन्स। अब पॉइंट आता है कि कैटीकोलामिन्स हमारे कितने टाइप से होंगे। अब एक तो वो होंगे जो इनसाइड हमारी बॉडी में ऑलरेडी बन रहे हैं, उनको हम बोलेंगे क्या? उनको हम बोलेंगे इंडोजिनस। क्या बोलेंगे? इंडोजिनस कैटीकोलामिन्स। इंडोजिनस कैटीकोलामिन को हम याद करते हैं एंड से। किससे याद करते हैं? इंडोजिनस एंड, इंडोजिनस एंड की बात करते हैं। इंडोजिनस एंड मतलब क्या है? हमारा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन। एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन, ये हमारे क्या कहलाते हैं? एक के बाद एक OH होना चाहिए सर, मैंने एक के बाद एक ही OH लगाया है बेटा। तो ये हमारे हो गए इंडोजिनस, ये हमारे कहलाए इंडोजिनस। दूसरा पॉइंट हुआ कि जो ड्रग बाहर से दी जाए उनको हम बोलेंगे क्या? एक्सोजिनस बोलेंगे। वो बाहर से अगर कुछ भी दिया जा रहा है तो वो एक्सोजिनस कहलाएंगे। एक्सोजिनस में दो टाइप के आएंगे, पहला आएगा कैटीकोलामिन्स, दूसरा आ जाएगा नॉन कैटीकोलामिन्स। जो एक्सोजिनस कैटीकोलामिन्स होगा वो कहलाएगा आईडी। वो पूछेगा भैया बाहर से आए हो और आप बोल रहे हो कि आप कैटीकोलामिन्स हो, अपनी आईडी दिखाओ, अपनी आईडी दिखाओ। आईडी दिखा देंगे, मान लेंगे कि कैटीकोलामिन्स है। आईडी का मतलब क्या हुआ? आइसोप्रिनोलिन, आइसोप्रिनोलिन एंड डोब्यूटामिन। चलिए इन्हीं कहानी को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। हमने क्या बात किया? हमने अभी तक जो पढ़ा उसको समराइज करो। हमने बोला these are the catecholamines, catecholamines these are the monoamine neurotransmitter। ये हमारे क्या हैं? Monoamine neurotransmitter हैं। हाँ जी बेटा, ब्रेन की ही बात हो रही है। And organic compound that has a catechol nucleus। इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा? कैटीकोल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इसीलिए हमने कैटीकोलामिन्स बोल दिया। मींस बेंजीन विथ टू हाइड्रोक्सिल साइड चेन नेक्स्ट टू ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां के बजाय ये यहां लग जाएगा ये कैटीकोल न्यूक्लियस नहीं रह जाएगा। तो पॉइंट क्या है? वन बाय वन, एक के बाद दूसरा लगातार OH ग्रुप होना चाहिए, तभी ये कैटीकोल कहलाएगा। अब कैटीकोलामिन्स जो भी होंगे वो किससे बनेंगे? ये सारे हमारे बॉडी में बनेंगे, किससे बनेंगे भाई? ये बनेंगे हमारे टायरोसिन। अब टायरोसिन अमीनो एसिड है, कहानी समझो थोड़ा सा। टायरोसिन हमारा अमीनो एसिड है, वो टायरोसिन अब किस टाइप का अमीनो एसिड है थोड़ा सा ये मुझे याद दिलाओ बच्चों। टायरोसिन बात करूंगा हमारा ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आता है, मतलब ये हमारे बॉडी में बन जाता है। अब हमारे बॉडी में अगर ये बन जाता है तो किससे बनता है? ये हमारे बॉडी में बनता है हमारा जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन हमारा आता है लीवर में, लीवर में फिनाइल एलेनिन से बन जाता है क्या? टायरोसिन बन जाता है। अब ये टायरोसिन जो लीवर में बन तो गया, यहां से मूव करके मेरा पहुंच जाएगा कहां पे? एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग में। एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग में पहुंच जाएगा जहां पे उसको सिंथेसिस कराना है एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन की। बात आपको समझ में आ गई? चलो इसी को क्लियर करते हैं। हमने जो भी बात किया, कैटीकोलामिन्स आर डिराइव फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन विच इज द डिराइव फ्रॉम द डाइट्री सोर्स एज वेल एज फ्रॉम द फिनाइल एलेनिन से बनेंगे। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन बना, टायरोसिन से हमारा आगे हम अभी बात करेंगे हमारा एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन बनेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
हमने बोला कि हमारे जो कैटीकोलामिन्स हैं ये दो क्लास में डिवाइड होते हैं, पहला इंडोजिनस और दूसरा एक्सोजिनस। इंडोजिनस में मैंने आपको बोला एंड याद रखिएगा, और एक्सोजिनस कैटीकोलामिन में आप आईडी याद रखिएगा, आइसोप्रिनोलिन एंड डोब्यूटामिन आपने याद किया। नेक्स्ट आता है नॉन कैटीकोलामिन, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, which of the following is the endogenous catecholamine, which of the following is the exogenous catecholamine, which of the following is the non catecholamines, ye direct question puche ja chuke hain, theek hai। ab main non catecholamines ki baat karunga to mujhe yaad rakhiyega T mujhe bahut pasand hai aur wo T se mera adrenergic, jab main kai T's khata peeta hu, कई टी एक साथ ले लेता हूं, मतलब एक के बाद कई टी इंटेक कर लेता हूं, तो मेरा एड्रेनर्जिक सिस्टम एक्टिव रहता है और मैं आप लोगों की इतनी ढेर सारी क्लास ले पाता हूं। तो पॉइंट आया टीज, यानी टायरामिन, इफेड्रिन, एम्फेटामिन एंड सॉल्ब्यूटामोल, दीज आर द नॉन कैटीकोलामिन्स। फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन, हां जी बेटा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, बहुत बढ़िया बेटा, गुड, ओके सर, यू आर द बेस्ट फॉर्मर ट्यूटर, सच अ वेरी गुड टीचर, थैंक यू बेटा। कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्रैक इफ जीपैड स्टार्टेड नाउ, बट व्हाट द स्पीड? यस, द आंसर इज यस यू कैन, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। यस सर, अमीशा इज राइट, अभी लगता है कि कोई नहीं कॉलेज में, हम भी मिल जाते हैं तो लगता है नाइपर भी कुछ भी नहीं, अगर आप ऐसे ही पढ़ाते रहे, वेरी सर प्लीज। चलिए बताइए, नॉन कैटिकोला मीन्स सीट याद रखिए, टी याद रखिए, मैं कई सारी टी पीता हूं तो मैं टीज याद रखता हूं, बाकी आप समझ लो, ठीक है। बताइए ये कहानी क्लियर हो चुकी, अब आगे चले। अभी हमने बोला कि हमारा जो ये नॉन एड्रेनलिन है ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है, आइए, और कहां सिंथेसाइज्ड होता है, ये एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग में सिंथेसाइज्ड होता है। कहां से सिंथेसाइज्ड हुआ, हमने बोला हमारे डाइट में आया फिनाइल एलेनिन से बन गया क्या, टायरोसिन बन गया, टायरोसिन मेरा मूव करके आ गया कहां पे, एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग में आ गया, यहां टायरोसिन आ गया, मैंने लिख दिया टायरोसिन आया, ठीक है। अब टायरोसिन से फर्दर यहां पे अलग अलग स्टेप की रिएक्शन होंगी, अदर अदर रिएक्शन होंगी, क्या है रिएक्शन की मैकेनिज्म, आइए थोड़ा सा समझो। टायरोसिन आ गया ब्रेन में, कोई दिक्कत किसी को, चाय हमेशा ठंडी हो जाती है आपकी, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों को सब पता है, सर आपसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी हार्ड पेपर बनाया, ओके बात करते हैं, चलो अब ध्यान से समझो, टायरोसिन आ गया, कहां पे आ गया, एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग में आ गया। अब ये टायरोसिन से फर्दर क्या होगा, मेरा बनेगा क्या, बनेगा भैया, बनेगा एल डोपा, एंजाइम का नाम यहां पे हम लिख देते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, क्या बना, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, दैट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम, यही हमारा क्या होता है, रेट लिमिटिंग एंजाइम, रेट लिमिटिंग स्टेप होती है, बन गया एल्डोपा। एल्डोपा के बाद फर्दर मेरा बन जाएगा क्या, डोपामिन बन जाएगा, क्या बनेगा, डोपामिन बन गया, बना दिए डोपामिन, बहुत बढ़िया। डोपामिन जो मेरा बनेगा, यहां पे मेरा एंजाइम लगेगा जिसको हम बोलते हैं क्या, डीडीसी, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, एंजाइम का नाम है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज से बन गया डोपामिन। अब ये डोपामिन मेरा कहां पे आ गया, वेसिकल में पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वेसिकल में मेरा डोपामिन पहुंच गया। अब समझो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेसिकल के अंदर डोपामिन से कन्वर्ट होके बनेगा क्या, नॉर एड्रेनलिन बनेगा, और यहां पे एंजाइम लगेगा डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लग गया, बन गया मेरा नॉर एड्रेनलिन। चलिए सभी का बन गया कि नहीं, जल्दी बताओ, एल डोपा टू डोपामिन एंजाइम, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, बहुत बढ़िया, और मेरा यहां पे नॉर एड्रेनलिन बन गया। अब क्या हुआ, सुनो, अब क्या हुआ, ये नॉर एड्रेनलिन जैसे ही कोई इंपल्स आया, जैसे ही कोई इंपल्स आया, अब इंपल्स कौन सा होगा बच्चों, इंपल्स आप बोलोगे सर यहां पे फाइट फ्लाइट फ्राइट का कोई भी इंपल्स हो सकता है, फाइट फ्लाइट फ्राइट का कोई भी इंपल्स हो सकता है, और सर मिथाइल डोपा फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर की ट्रैक
कैसे वर्क करता है बताता हूं बेटा, धर्मेंद्र थोड़ा रुकोगे। अब जैसे ही इंपल्स आया, वेसिकल में, यहां पे तुरंत मेरा काम होगा क्या, कैल्शियम आयन एक्ट करेगा, एक्सोसाइटोसिस कराएगा। एक्सोसाइटोसिस करने के बाद मेरा नॉर एड्रेनलिन रिलीज होके बाहर आ गया, अब क्या करेगा, रिसेप्टर से ज्वाइन करेगा। ये किससे ज्वाइन करेगा, अपने रिसेप्टर से ज्वाइन करेगा। और इसके रिसेप्टर दो होते हैं, पहला हमारा हो गया अल्फा रिसेप्टर, दूसरा हमारा हो गया बीटा रिसेप्टर। इनके टाइप बाद में लेता हूं, पहले अभी कॉन्सेप्ट समझ लो। इन पे काम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा नॉरएड्रेनालिन हुआ, उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा। इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और मेटाबॉलिज्म कौन कराएगा भाई, मेटाबॉलिज्म हमारे दो एंजाइम कराते हैं, नाम है माओ, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, माओ, और दूसरा है COMT, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ये दोनों एंजाइम मिलेंगे और बना देंगे क्या, मेटाबोलाइट बना देंगे। मैं अभी नाम नहीं दूंगा, मेंडेलिक एसिड बनेगा या यहाँ पे मेरा 3O मिथाइल डोपामिन बनेगा, वो बात की बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। इतना हुआ कि मेटाबॉलिज्म हुआ, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा नॉरएड्रेनालिन का, ये एक्स्ट्रा अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, रीअपटेक हो जाएगा। और रीअपटेक यहां पे प्रोसेस हो रहा है, रीअपटेक से हो रहा है, यहां मेरे रीअपटेकर प्रेजेंट होते हैं। रीअपटेक को इनहिबिट करने के लिए मेरी यहां पे कुछ ड्रग अब काम करने वाली है, अलग अलग लेवल पे काम करने वाली है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी। अब बात करते हैं कि सर यहां पे किस स्टेप पे क्या एक्शन देखने को मिलेगा, कहां पे क्या एक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करोगे कि कहां पे क्या एक्शन देखने को मिलेगा। बात अभी तक मेरी आई होप आपको समझ में आ रही होगी। चले तो सबसे पहले क्या हुआ बताइएगा, सबसे पहले क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, बोलते जाइएगा, सबसे पहले क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ, बोलिए जल्दी। हाँ ओके, एक सेकेंड बेटा, चलो बहुत बढ़िया सर, कुछ परसेंटेज मेटाबॉलिज्म एल डोपा के पास भी होता है। बिल्कुल रोहित आपकी बात है, मैं उसको समझाता हूं कहां पे क्या होता है। इतनी मैकेनिज्म समझ में आई ना। अब यहां पे सर नॉरएड्रेनालिन से, एड्रेनालिन कैसे बनेगा, अब यहां पे पॉइंट मेरा आ जाता है, एंजाइम का नाम दे दूंगा। यहां पे मेरा क्या होता है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, क्या होता है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ये नॉरएड्रेनालिन जो वेसिकल में बना है, नॉरएड्रेनालिन से बनता है एड्रेनालिन, एंजाइम का नाम होता है एन मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसको समझ के चलोगे आगे बात करेंगे। आइए अब सबसे पहले सिंथेसिस हुआ, यहां पे पहला स्टेप क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद आपको क्या देखने को मिला, स्टोरेज, हुआ। स्टोरेज के बाद क्या देखने को मिला, रिलीज। रिलीज के बाद क्या हुआ बच्चों, रिलीज के बाद आपको क्या देखने को मिला, प्लीज कंफर्म करिएगा, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। हां जी, रिलीज के बाद आपको क्या देखने को मिला, रीअपटेक, क्या देखने को मिला, रीअपटेक हुआ। रीअपटेक के बाद क्या हुआ, रीअपटेक के बाद भाई उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, बताइए जल्दी, मेटाबॉलिज्म देखने को मिला। मेटाबॉलिज्म के बाद आपको क्या देखने को मिला, रिसेप्टर पे एक्शन देखने को मिला। मतलब टोटल कहानी, ये 6 चैप्टर की कहानी है, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, रीअपटेक, मेटाबॉलिज्म एंड एक्शन ऑन द रिसेप्टर। सर डोपामिन का प्रिकर्सर लिवोडोपा या कार्बिडोपा, बच्चा प्लीज याद रखना लिवोडोपा, नो कार्बिडोपा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। अब मेरी अलग अलग स्टेप पे अलग अलग ड्रग काम करती हैं। इस टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करती है मेरी ड्रग, जिसको हम बोलते हैं मी टायरोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मी टायरोसिन इनहिबिट द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। डीडीसी को इनहिबिट करने वाली ड्रग का नाम है क्या, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा एंड बेंसेराजिड मेरी दो ड्रग आती हैं।
डोपामिन मेरे वेसिकल में जाता है, कहां पे जाता है? डोपामिन मेरे वेसिकल में जाता है, और वेसिकल में यहां पे जाने से इसको इनहिबिट करता है कौन सी? रिसर्पिन। यहां पे कौन सी काम करी? रिसर्पिन काम की, अंदर जाने से, रीस्टोर होने से मेरी रिसर्पिन ने काम किया। और ये जो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, इस एंजाइम को इनहिबिट करती है कौन सी? डाइसल्फिराम इनहिबिट करती है। रीअपटेक को इनहिबिट करती है कौन सी? TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड कोकेन इनहिबिट करती है। और उसके बाद जो मेटाबॉलिज्म है, माओ को इनहिबिट करने वाली ड्रग मेरी अलग अलग टाइप की होंगी, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर, सेलेक्टिव माओ ए इनहिबिटर, सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर एंड COMT इनहिबिटर में मेरी टेलकापोन इंटेकापोन आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले बात करें, जो ये रिलीज हो रहा है, इस रिलीज को इनहिबिट करेगी कौन सी? घर से बाहर नहीं जाना, मम्मी बोलती है बहुत मारती है, यही कहानी है। तो घर से बाहर जैसे ही जाने की बारी हुई, घर से बाहर ग्विनेथिडीन, ग्विनेथिडीन एंड ब्रिटीलियम, ग्विनेथिडीन एंड ब्रिटीलियम, ये दो ड्रग ऐसी हैं जो रिलीज को इनहिबिट करती हैं। हर एक स्टेप पे कौन सी ड्रग आई, आपको ये बता दिया। सर दीज आर एड्रेनर्जिक ड्रग एग्जाम्पल। No, these are not adrenergic drug example. These are the drug example which inhibit the synthesis, storage, reuptake or metabolism of noradrenaline. Disulfiram तो alcohol dependence में भी use होता है ना सर? रश्मिता एकदम बात आपकी सही है, बट ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, डाइसल्फिराम कैन ऑल्सो इनहिबिट द डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। सर नॉन कैटिकोला मीन्स फिनाइल एफ्रिन होगा क्या? भैया बहुत सारी होंगी, फिनाइल एफ्रिन होंगी, मेरी क्लोनिडिन होंगी, मिथाइल डोपा हो जाएगी, इसी के साथ मेरी अल्फा वन पे काम करने वाली मेरी प्राजोसिन, टेराजोसिन तमाम प्रकार की आएंगी, ठीक है। एड्रेनर्जिक बोल सकते, एंटी एड्रेनर्जिक बोल सकते हैं, लिटिल बिट बोल सकते हैं, प्रज्वल पूरी तरह नहीं। चलिए ये कहानी सबको समझ में आ गई, आगे चलू बच्चों। अगर ये समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट है किसी का यहाँ पे? अगर नहीं है तो चलो एक बार ये टेबल चार्ट देख लो यार, ये चार्ट देख लो, हो सकता है मेरा टूटा फूटा चार्ट ना समझ में आया हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या बोला, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करता है टायरोसिन को एल्डोपा में, एल्डोपा से बनता है डोपामिन, डोपामिन मेरे वेसिकल में आ जाता है, वेसिकल में, सुनो ये पॉइंट आता है, Why dopamine not convert into noradrenaline outside the vesicle? Outside the vesicle ये conversion क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर outside conversion हुआ, भैया यहाँ पे बहुत बड़े amount में माओ present हैं, वो तुरंत metabolism कर देंगे। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे point आता है कि जो ये conversion dopamine का noradrenaline में होता है, वो vesicle के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? वेसिकल के अंदर होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने एक एक ड्रग बात किया था, रेट लिमिटिंग स्टेप मैंने आपको टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंसेराजेट दे दिया, फिनाइलएफ्रिन से टायरोसिन कन्वर्ट होके लीवर के थ्रू आई थी, रिसर्पिन ने रीअपटेक इनहिबिट कर दिया वेसिकल के अंदर, डाइसल्फिराम ने डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट कर दिया, ग्विनेथिडीन ब्रिटीलियम ने बाहर जाने से रोक दिया, COMT माओ इनहिबिटर अलग अलग ड्रग बात करेंगे, और अल्फा बीटा पे काम करती है, रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली ड्रग कोकेन और TCA है। हर एक चीज आपको क्लियर किया। सर तुम्ही रोज ऑनलाइन लेक्चर घेत जा प्लीज। सॉरी बेटा पूरी तरह समझ में नहीं आया, बट इतना समझ में आया, आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप रोज क्लास लो ना, ठीक है। माओ प्रेजेंट मेटाबॉलिज्म अकर, करेक्ट है, ठीक है, आगे चलें बेटा, यही चीज समझाया था, सबको क्लियर होगा, कोई डाउट इसमें नहीं रह गया होगा। आइए प्रोसेस, यही मैंने आपको स्टेप बताए थे, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज, रीअपटेक, मेटाबॉलिज्म एंड एक्शन ऑन द रिसेप्टर। सर एक्सक्रीशन का, सर जी माओ को बता दो एल डोपा के पास जो मेटाबॉलिज्म करता है, वही तो बोला बेटा कि जब मेरा लिवोडोपा से डोपामिन बनता है तो डोपामिन को तुरंत मेरा माओ एंजाइम यहां प्रेजेंट रहता है, माओ इसको मेटाबॉलिज्म करने लग जाता है, तो इसीलिए हमारा यहां पे थोड़ा सा कन्वर्जन इनहिबिट हो जाता है।
नो अमीशा, वी आर गिविंग दीज ड्रग टू इनहिबिट और डिक्रीज द प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन ऑफ द एड्रेनलिन. ओके, माउ क्या है सर? मोनो अमीनो ऑक्सीडेज हमारे एंजाइम होते हैं. चलो बेटा पढ़ लो जल्दी से, जो चीजें अभी आपको पढ़ाया अब उसी को थियरी में ले आओ. थियरी में क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ टायरोसिन से एल-डोपा किस एंजाइम के प्रेजेंस में? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में. यही मेरा रेट लिमिटिंग एंजाइम और रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ. दूसरा पॉइंट हुआ डोपा से बना डोपामिन एंजाइम लगा, डोपामिन बीटा डोपा का डोपा डिकार्बोक्सिलेज लगा, डोपामिन इंटर हो गया वेसिकल में, वेसिकल से कन्वर्ट हो वेसिकल में अंदर ये कन्वर्ट हो गया नॉरएड्रेनालिन में, एंजाइम लग गया डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज. नेक्स्ट आया नॉरएड्रेनालिन फर्दर एड्रेनालिन में कन्वर्ट होगा, एंजाइम लगेगा एन मिथाइल ट्रांसफरेज और मोस्ट ऑफ द रिलीज नॉरएड्रेनालिन इज टेकन बैक इनटू द टर्मिनल बाय द न्यूरोनल अपटेक और उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, एंजाइम लगता है सीओएमटी और माओ जिसके प्रेजेंस में मेंडेलिक एसिड एंड मेटानेफ्रिन नॉर मेटानेफ्रिन बनते हैं और इसके बाद जो बचा वो हमारे अल्फा या बीटा जो डिफरेंट टाइप के जीपीसीआर रिसेप्टर होते हैं उनमें काम करते हैं. चलो कुछ आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूं. ओके, क्या पॉइंट है सर? माओ ए टायरोसिन को भी इनहिबिट करता है ना? नहीं करता है. माओ ए टायरोसिन को इनहिबिट नहीं करता है. माधुरी अगर आप लेके आ रहे हो चीज रिएक्शन को, तो चीज रिएक्शन में क्या होता है कि अगर हमने माओ ए इनहिबिटर माओ इनहिबिटर दे दिया तो उसकी वजह उसके बाद हमने पेशेंट को टायरोसिन वाले प्रोडक्ट दे दिया तो बॉडी में क्या होगा? एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन बढ़ता चला जाएगा जिसकी वजह से चीज रिएक्शन होगा और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, वो एडवर्स इफेक्ट होता है, तो ये इनहिबिट उसको नहीं करता. सर डू यू नो द तेलुगु लैंग्वेज? आई वॉन्ट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट जीडीसी प्राइम मेंबरशिप एंड जीडीसी पैकेज 3. आई वॉन्ट टू बाई एनी वन ऑफ दीज. भूतम सॉरी बेटा आई डोंट नो द तेलुगु, जस्ट प्लीज हिंदी और इंग्लिश. आई कैन टॉक इन ओनली टू लैंग्वेज, दिस इज माई लिमिटेशन, बट आई होप आपके क्वेश्चन को जरूर मैं आंसर कर दूंगा. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज पैकेजेस देन यू कैन आस्क. ओके सर, माओ ए टायरोसिन को भी इनहिबिट करता है ना? नहीं. ओके 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 सर, माओ का वर्क क्या होता है? माओ का वर्क होता है साक्षी मेटाबॉलिज्म करना, नॉरएड्रेनालिन का, एड्रेनालिन का, डोपामिन का, सबका 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 मेटाबॉलिज्म करना. वही कहते हैं ना, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा. कौन लेगा? माओ लेगा. कुछ भी आ जाए, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, सब कुछ आ जाए, सबको मेटाबोलाइज कर देगा. बात समझ में आ गई? What about desipramine? Desipramine is the reuptake inhibitor, but that is the TCA. TCA मैंने अभी लिखा था ना बच्चे, मैंने अभी TCA लिखा था, tricyclic antidepressant. Desipramine, imipramine, amitriptyline, nortriptyline, सारी मेरी आ जाती हैं. वो क्या करती हैं? Reuptake को inhibit करती हैं. Okay, चलें आगे. Okay. चलिए जितनी चीजें हमने पढ़ी उनको हम यहां समराइज करते हैं. ठीक है, क्या क्या ड्रग पढ़ी थी? सर अपना मेल आईडी दो, सो वी कैन आस्क योर डाउट एनी टाइम. धर्मेंद्र प्लीज बेटा. चलो सर, ये सब रिएक्शन बॉडी में कहां होती हैं? कहां होंगी? एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग में होंगी, और कहां होंगी? सर आज मैं भी स्टार्ट किया हूं पढ़ना. बढ़िया, अच्छा बेटा. सर व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ नॉरएड्रेनालिन सिंथेसिस? प्रिकर्सर पहले तो बता दिया, प्रिकर्सर कुछ भी होगा टायरोसिन ही होगा, कहीं का भी होगा. चलिए सिंथेसिस, सिंथेसिस को इनहिबिट किसने किया था? मी टायरोसिन, अल्फा मिथाइल पैरा टायरोसिन और अल्फा मिथाइल डोपा, और यही अल्फा मिथाइल डोपा मेरा कहलाता है क्या? फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है. अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा जो फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा. वंशिका मीटायरोसिन नहीं कहलाता है, अल्फा मिथाइल डोपा कहलाता है. जो मेरा अल्फा मिथाइल डोपा से मेरा बनता है क्या? मिथाइल अल्फा मिथाइल, या इससे भी ले लो, दोनों को ले लो. ठीक है, दोनों से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं. दोनों से मेरा बनेगा अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है. हमने बोला रीअपटेक को इनहिबिट करने वाली ड्रग ले लो भैया, डेसिप्रामिन जो पूछ रहे थे, कोकेन और टीसीए मैं लेके आया, जो क्या करेंगे? रीअपटेक इनहिबिट होगा तो नॉरएड्रेनालिन बढ़ेगा,
वैस्कुलर अपटेक को ब्लॉक करने वाली ड्रग मेरी कौन सी थी, रिसर्पिन, जिसकी वजह से अगर वैस्कुलर अपटेक नहीं हुआ मतलब डोपामिन मेरा वेसिकल में नहीं आ पाएगा तो डोपामिन का माओ मेटाबॉलिज्म कर देगा, डोपामिन का मेटाबॉलिज्म कर देगा तो जिससे मेरा नॉरएड्रेनालिन का डिप्लीशन डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल मेरा यहां पे नॉरएड्रेनालिन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन इनहिबिट कौन सी कर रही थी, घर से बाहर मत जाना ग्विनेथिडिन ब्रिटिलियम, जो डिग्रेडेशन को लॉस करेंगी, लॉस ऑफ डिग्रेडेशन करेंगी। मेम्ब्रेन नॉरएड्रेनालिन पूल जो टायरामिन और इफेड्रिन है ये क्या करती हैं, इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट मेरी ड्रग होती हैं जिनको आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, अभी इनके बारे में ज्यादा नहीं लेके आएंगे। दूसरा, बार बार आप पूछ रहे हो सर माओ 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 आ जाओ, माओ हमारा एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, कैटीकोला एमीन्स को मेटाबोलाइज करता है, तो हमें माओ को इनहिबिट करना है। अब दो तीन टाइप की क्लासिफिकेशन, पहला जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर, जो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि माओ ए है कि माओ बी है, दोनों को मेटाबोलाइज कर देगा, नियलामाइड एंड ट्रेनाइल साइप्रोमिन मेरी ड्रग आती है, ये क्या कर देती है मेरी दोनों को, माओ ए को भी माओ बी को भी इनहिबिट कर देगी। और अगर ये इनहिबिट कर दी तो मेरा नॉरएड्रेनालिन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, नॉरएड्रेनालिन का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो पोटेंशिएशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन हो जाएगा, मतलब नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। माओ ए इनहिबिशन की बात करते हैं, मोक्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन मेरी ड्रग आती हैं, ये केवल और केवल माओ ए को इनहिबिट करती हैं। और जब हम डिप्रेशन पढ़ेंगे ना सीएनएस में, डिप्रेशन में मेरी ये ड्रग यूज होती है, माओ ए इनहिबिटर की बात आती है जो पोटेंशिएशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन करती है एक स्पेसिफिक साइट पे। माओ बी की बात करता हूं, सेलेजेलिन रेसेजेलिन मेरी आती है जो पोटेंशिएशन ऑफ डोपामिन करती है ब्रेन में, और इसको हम पढ़ेंगे कहां पे, इसको हम पढ़ेंगे पार्किंसन में पढ़ेंगे। सीओएमटी इनहिबिटर इंटेकापोन टोलकापोन आती है जो मेरी ड्रग काम करती है। चलिए सर आप डेली लेक्चर लेंगे क्या, बिल्कुल लूंगा बेटा, सर स्क्रीन बहुत ब्लर है थोड़ा क्लियर करो ना प्लीज। ओके आपकी बात सर, आंखों पर बच्चे, सर अभी नंबर बढ़ा, पीकेडी में पार्किंसन डिजीज में। चलिए ये सारी ड्रग कंफर्म हुई कि नहीं आप लोगों को, प्यार फ्रॉम नेपाल, थैंक यू मेरे लिए सारे बच्चे, कहीं से भी बच्चे हैं ऑल आर द स्टूडेंट्स, और मुझे पढ़ाने में हर बच्चे के लिए मजा आता है। चलिए अब ठीक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आइए तो हमने अब बात किया क्या, नाउ हमने बात किया कि हमारे रिसेप्टर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर, कौन कौन से हो गए, अल्फा रिसेप्टर मी टायरोसिन इज अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा नहीं बेटा, मी टायरोसिन क्या होता है कि जब वो मी टायरोसिन ड्रग होती है वो क्या करती है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में मी टायरोसिन से बन जाता है अल्फा मिथाइल डोपामिन बनता है, उससे अल्फा मिथाइल नॉरएड्रेनालिन बनता है जो फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। आज क्लियर हुआ सर, बड़ी कंफ्यूजन था इस टॉपिक में, चलिए थैंक यू फार्मा स्टडी, अगर मैंने आपके हेल्प थोड़ा भी किया हो तो। चंगेला दुर्गा, हैव यू क्लियर योर पॉइंट, टेलकापोन वर्क इन बोथ पेरिफेरल एंड सीएनएस, यस इंटेकापोन ओनली इन पेरिफेरी, काजल बहुत बढ़िया, सर अगर डिकार्बोक्सिलेज नॉर्मल पर्सन में इनहिबिट कर दिया तो पार्किंसन कॉज करेगा क्या, नहीं, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना अलग हो जाता है, बिकॉज देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डोपामिन पाथवे इन अवर ब्रेन, सो विच पाथवे यू हैव इनहिबिटेड डिपेंड ऑन दैट पाथवे ओनली। कामता ने पूछा सर ये सब्जेक्ट लेक्चर किस सब्जेक्ट का है, बहुत बढ़िया, चलिए अब अल्फा रिसेप्टर बीटा रिसेप्टर, अच्छा एक चीज पहले याद कर लो, अल्फा में हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप का होता है अल्फा वन अल्फा टू, बीटा तीन टाइप का होता है बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, ठीक है। अब कहां प्रेजेंट है, प्लीज सुनिएगा, प्लीज मेरी बातें सुनिएगा, अल्फा बीटा रिकैप बीटा रिकैप, अल्फा सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अल्फा वन अल्फा टू, बीटा सब डिवाइडेड इनटू बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, नाउ कम ऑन बहुत अच्छे समझेंगे, पहले इधर से शुरू करते हैं, इसकी कंडीशन क्या कहलाती है,
मेरे पास कितने हार्ट हैं बताओ, मेरे पास हार्ट कितने हैं भाई, मेरे पास या आपके पास भी। हाँ वो बात अलग है कि आजकल मूवीज में देख लेते हैं ना कि हमने दिल किसी को दे दिया बिना हार्ट के सरवाइव कर रहे हैं, ये किसी का दिल चुरा लिया मतलब उसके पास दो हार्ट हो गए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हार्ट एक है और वो हमेशा रहता है, किसी के पास दो नहीं होते, किसी के पास जीरो नहीं होते, हार्ट सबके पास एक होता है। यानी सिंपल बात करें कि वो बीटा वन हमारा एक हार्ट है तो कहां प्रेजेंट, बीटा वन कहां प्रेजेंट है, एक हार्ट होता है हार्ट में प्रेजेंट है। बीटा टू की बात करते हैं, बीटा टू हमारे पास लंग्स कितने होते हैं बच्चों, हमारे पास लंग्स कितने होते हैं, दो होते हैं, तो बीटा टू कहां प्रेजेंट है, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। बीटा वन कहां प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। बीटा थ्री की बात करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट होगा कहां पे, एडिपोज टिश्यू में, कहां प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू में। मेरा दिल जिस दिल पे, अरे फिदा आ जाओ फार्माकोलॉजी पढ़ लो, नहीं तो ये फिदा और फिदाई दोनों गायब हो जाएंगे बच्चों। चलो आ जाओ अब अल्फा की बात करते हैं, अल्फा वन रिसेप्टर। सुनो अब एक कहानी पहले समझ लो, पहले ये कहानी समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सपोज दिस इज द एड्रेनर्जिक न्यूरॉन। अब मान लो कि मेरा एक रिसेप्टर यहां प्रेजेंट है, ठीक, और एक रिसेप्टर मेरा यहां प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है। बात ध्यान से सुनिएगा, हाँ दिल दिया फलाना ढिकाना साहब बेकार है, पढ़ाई कर लो वो करियर बनाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा इसीलिए एक चीज बताऊं, मैं जब देखता हूं थोड़ा सा मुझे इन सब चीजों में हंसी भी आती है, कभी एक काद वीडियो इधर देख गया, फर्जी का कंटेंट है, मींस लिटरली अगर मैं हंसी आती है व्हाई दे आर डूइंग दिस, फर्जी की चीजें हैं, लेकिन भैया उसको देखने वाले भी हाय राम तौबा कितने सारे लगे रहते हैं। और कोई भी मैं एजुकेशनल वीडियो देखता हूँ, किसी भी कितना भी अच्छा टीचर हो उसके वीडियो में 1000 व्यू आ गए ना तो बहुत हो जाता है, ये कहानी होती है। तो आज की डेट पे सबसे ज्यादा अगर कोई खराब चीज है ना वो है क्या, एजुकेशन, क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, अच्छा सुनो, अब अगर मेरा एक रिसेप्टर यहां प्रेजेंट है, एक रिसेप्टर मान लो नंबर वन ये है, नंबर टू ये है, इस रिसेप्टर में अंतर क्या है, ये है मेरा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन और ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन सिनाप्स के पहले है, तो इसको क्या बोलूंगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये मेरा क्या कहलाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, क्या कहलाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और बीच में हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं क्या, सिनेप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। चलो सिनेप्स के पहले वाले का नाम दे दिए प्री सिनेप्टिक, या इसी को बोल दें क्या, प्री सिनेप्टिक ही रखो, ज्यादा कंफ्यूजन ना लाओ, और इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्स के बाद है तो पोस्ट सिनेप्टिक बोल दिए, क्या बोल दिए, पोस्ट सिनेप्टिक बोल दिए। अब कहानी क्या है कि अगर मेरा कोई यहां पे प्रेजेंट है, जितना भी प्री सिनेप्टिक में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, ऑटो रिसेप्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑटो रिसेप्टर बोलेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, क्या बोलेंगे, इनको ऑटो रिसेप्टर बोलेंगे, और जितने भी कहीं भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ऑटो रिसेप्टर आर ऑलवेज मीडिएटेड विद द जीआई प्रोटीन। तो फिर से याद करो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा उसको ऑटो रिसेप्टर बोलेंगे, एंड दैट विल ऑलवेज मीडिएटेड थ्रू द जीआई प्रोटीन, ऑटो रिसेप्टर हो गया। अब जीआई प्रोटीन है मतलब आप बोलोगे ये क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा, क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा, इतना ध्यान ले लिया। तो यहां पे मेरा एग्जांपल आता है, अल्फा वन मेरा, ये टू वाला मेरा है अल्फा वन और ये वाला है मेरा अल्फा टू, तो मैं ये बोल दूं अल्फा टू रिसेप्टर इज द ऑटो रिसेप्टर मीडिएटेड थ्रू द जीआई प्रोटीन एंड इट ऑलवेज इनहिबिट, इनहिबिट क्या करेगी, वेसिकल से जो नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है इस रिलीज को ये इनहिबिट करेगी, इस रिलीज को ये इनहिबिट करेगी। वो अल्फा है भाई, ए नहीं, हाँ मैंने अल्फा ही बोला है बेटा। जीवन प्रोटीन क्या है,
जीवन नहीं है बेटा, जी आई है, आई मतलब इनहिबिटरी। जब रिसेप्टर पढ़ोगे तो बेटा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा टू हो गया, इनहिबिट कर रहा है, और अल्फा वन यहां प्रेजेंट है। चलिए एक कहानी थी, मतलब अब मैं बोलूं कि अल्फा टू कहां प्रेजेंट है, मेरे बच्चे तुरंत बता देंगे सर ये प्री सिनेप्टिक प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्री सिनेप्टिक प्रेजेंट है। और अल्फा वन कहां प्रेजेंट है? पोस्ट सिनेप्टिक प्रेजेंट है। बढ़िया, लेकिन पोस्ट सिनेप्टिक में कहां प्रेजेंट है? क्वेश्चन अगर आ जाए कि अल्फा वन हमारा पोस्ट सिनेप्टिक में कहां प्रेजेंट है, आप तुरंत बोलोगे सर अल्फा वन मेरी कई जगह प्रेजेंट है। कहां कहां प्रेजेंट है? एक एग्जाम्पल ले लो, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, लीवर में प्रेजेंट है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे उठा लेता हूं, मेरे ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। बस इतना ही याद रखो। डीयू का फार्मासिस्ट का एग्जाम 23 को है सर, प्लीज प्रोवाइड क्लास। प्रांचल, पांचल, वैभव, 23 को। देखो बेटा सारा चीज हो पाना तो मुश्किल है, लेकिन आप क्या चाहते हो वो बताओ, मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और पढ़ो, आपने एबीसीडी सबने पढ़ी है कि नहीं ये बताओ, सबने एबीसीडी पढ़ी है कि नहीं? अगर एबीसीडी पढ़ी होगी तो मैं एबीसीडी पढ़ता हूं ऐसे, ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, एंड डी फॉर डाइलेशन, सी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, डी फॉर डाइलेशन। अल्फा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बीटा डाइलेशन करेगा, अल्फा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, बीटा डाइलेशन करेगा। इस चीज को याद रखिएगा, इनकी कहानी आगे लेने वाले हैं। तो चलिए लोकेशन एक बार कंफर्म करो, बीटा वन प्रेजेंट ऑन द हार्ट, बीटा टू प्रेजेंट ऑन द लंग्स, बीटा थ्री प्रेजेंट ऑन द एडिपोज टिश्यू, अल्फा वन मेनली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे प्रेजेंट होता है, और क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, मेरे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, मेरे लीवर में प्रेजेंट होता है। तमाम हमने बात कर लिया, एज वेल एज अल्फा टू की बात करता हूं, प्री सिनेप्टिक मेनली प्रेजेंट होता है, ऑटो रिसेप्टर होता है, इनहिबिट करता है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चले बच्चों, चलो क्या बोला, लोकेशन जल्दी कंफर्म करो, जो जो अभी बोलता गया उसको कंफर्म कर लो। पहले यहां से बीटा वन प्रेजेंट ऑन द हार्ट एंड जेजी सेल्स, जेजी सेल्स से रिलीज कराएंगे क्या? रेनिन। बीटा टू प्रेजेंट ऑन द ब्रोंकाई, जीआईटी, यूट्रस, लीवर, स्केलेटल मसल्स, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, और बीटा थ्री मेरा प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू में मेनली प्रेजेंट है। ये आपको पहले क्लियर कर दिया। अल्फा वन की बात करते हैं, अल्फा वन मेनली हमारा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? हमने बोला ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, आई में प्रेजेंट है। अल्फा वन मीडिएटेड बाय द जीक्यू प्रोटीन, अल्फा टू मीडिएटेड बाय द जीआई प्रोटीन, बीटा वन ऑल द बीटा रिसेप्टर आर मीडिएटेड बाय द जीएस प्रोटीन। इतना याद कर लो यहां से, GQ, GI, GS। अब आगे आओ, अल्फा वन मैंने बोला जो प्री सिनेप्टिक प्रेजेंट है वो क्या करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम के रिलीज को इनहिबिट करेगा। पोस्ट सिनेप्टिक में ब्लड वेसल्स में भी हमारा ये प्रेजेंट है। सर कौन से ग्लैंड पर? बेटा यहां इंडो की बात नहीं हो रही है, यहां एक्सो की ही बात हो रही है, यहां एक्सो की बात हो रही है, कहीं भी मैं इंडो नहीं बोल रहा हूं। जीआईटी में भी अल्फा वन, जीआईटी में भी अल्फा वन, जीआईटी में नहीं होता है। सुनो, अल्फा वन, अल्फा वन हमारा मेनली कहां प्रेजेंट होगा? ये हमारे स्फिंक्टर पे प्रेजेंट होगा। सुन लो, कहां प्रेजेंट होगा? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब क्या है? लास्ट पॉइंट, जैसे एनल स्फिंक्टर में प्रेजेंट है। और अगर एनल स्फिंक्टर में प्रेजेंट है, बीटा क्या बोला सर? बीटा वन एंड बीटा अल्फा वन दोनों पे ही ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा। हाँ दोनों पे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीटा वन नहीं है बेटा, बीटा वन मेरा नहीं है, बीटा वन नहीं है, बीटा बीटा वन नहीं है, बीटा टू है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर करो। स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, अरे यार कभी आप बोलते हो ब्लर है, कभी ब्लैक है, क्या करूं बच्चों?
हाँ जी, तो हमने क्या बोला, स्फिंक्टर इंड में प्रेजेंट होता है, और अगर स्फिंक्टर में प्रेजेंट होगा और वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, सुनोगे, जैसे जैसे मान लो आपके कॉलेज का गेट, आपके कॉलेज का गेट है इंड है, ठीक है, अगर कॉलेज का गेट बंद है तो आप कॉलेज से बाहर निकल पाओगे क्या? नहीं निकल पाओगे। सेम कहानी यहां पे है, अल्फा वन प्रेजेंट ऑन द इंस्फिंक्टर, वेदर वी कैन से अबाउट द यूरेथ्रल इंस्फिंक्टर और वी कैन ऑल्सो से द एनल इंस्फिंक्टर। तो अगर एनल इंस्फिंक्टर में प्रेजेंट है तो क्या फीसेस का एक्सक्रीशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर फीसेस का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा तो भैया कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन होगा, ये हमारा पॉइंट हमको मिल गया। चलिए, अल्फा टू प्री सिनेप्टिक लिखा है बेटा, मेनली प्री सिनेप्टिक है, थोड़ा बहुत ये पोस्ट सिनेप्टिक होता है, थोड़ा बहुत, उसका ज्यादा एक्शन नहीं होता है। अच्छा, चढ़ के भागेंगे, हाँ सही है। चलो क्लियर करें सभी को अब। यहां तक की मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? कंटेंट चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत? अल्फा टू प्री सिनेप्टिक बताया था ना विशाल? बताया तो था, मैंने कब मना किया अल्फा टू, मैंने कब मना किया? आइए बात करते हैं, आइए बात करते हैं, सबको लेके आते हैं। फाइनली मुझे यह चैप्टर समझ आ ही गया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। भाव्या नारंग, थैंक यू। नो सर, ऑल क्लियर। चले आगे, आइए, हमने आपको क्या बोला था, पहले मेरी बात जितना बोलूं उतना सुनना। मैंने आपसे बोला कि अल्फा वन मेरी पोस्ट जंक्शनल प्रेजेंट है और किस प्रोटीन से मीडिएटेड है? GQ प्रोटीन से मीडिएटेड है। GQ प्रोटीन जहां भी आएगा IP3DAG फॉर्मेशन होगा, IP3DAG से कैल्शियम होगा और कैल्शियम जहां होगा वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। बस इतना याद रखिएगा, जहां भी हमारा GQ प्रोटीन होगा वहां कैल्शियम होगा, वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, आ जाओ अब ऊपर आओ। अब मैंने आपसे बोला कि ये हमारे स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, और इस स्मूथ मसल्स में मेनली क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। आप बोलोगे सर यहां तो रिलैक्सेशन भी, वैसोडाइलेशन भी लिखा है। लेक्चर कितना देर चलेगा सर? जब तक आप चाहो। आप अभी बोलो मैं अभी बंद कर दूंगा, आप आधे घंटे बाद बोलो मैं आधे घंटे बाद बंद करूंगा। ठीक, चलो आ जाओ। रुचिका नामदेव, सर ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस आप ही लो ना। अच्छा सुनो, आ गया हो। स्मूथ मसल्स पे ये कॉन्ट्रैक्शन करती है। अब स्मूथ मसल्स बोल दिया तो ये मत पूछना कि सर इसमें ब्लड वेसल्स तो नहीं लिखा है। भैया ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल से ही बनी होती है, ठीक है? तो स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करेगी। आप बोलोगे सर यहां तो वैसोडाइलेशन लिखा है। अगर ये वैसोडाइलेशन आपको मिला तो एक चीज आपको याद आया कि नहीं याद आया? सच सच बोलना, ये किसी को याद आया कि नहीं आया? सर विदाउट थियरी एमसीक्यू कवर नहीं होते क्या? यार पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन क्या तुक्का सॉल्व करोगे, एबीसीडी खेलोगे हैं? चलो आगे बात करते हैं। अब सुनो, मान लो ये ग्लैंड है, सपोज ये मेरी एक ग्लैंड है। अब यहां पे मेरा अल्फा वन प्रेजेंट है। सुनो, अल्फा वन प्रेजेंट है, मैंने अभी अल्फा वन बोला जीक्यू प्रोटीन मीडिएटेड है तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा। मान लो ये ग्लैंड को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो सारा फ्लूड धड़ल्ले से बाहर आ गया। बाहर आ गया तो बताइए सिक्रीशन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए सिक्रीशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। जीआईटी, गट में रिलैक्सेशन। सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, गट में रिलैक्सेशन कॉज करेगा। ठीक है, रुको,
गट में रिलैक्सेशन का मतलब क्या है भैया? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मेरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आप कर लो। चलो लीवर की बात करेंगे, ग्लाइकोजेनोलिसिस। लीवर की बात करेंगे तो क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलिसिस होगा। भैया ग्लाइकोजेनोलिसिस क्यों होगा? अब थोड़ा सा, अगर आप लोग मेरे शुरू की क्लासेस से प्रेजेंट हो, अगर आप लोग, सर जी ओपी ओवर पावर, अच्छा ठीक है सुनो थोड़ा सा, एक अगर शुरू वाली क्लास याद है तो हमने क्या बात किया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? ये तब एक्टिवेट होता है जब हमें भागना होता है या जब हमें लड़ना होता है, मतलब हमको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज चाहिए तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन चाहिए, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन चाहिए यानी ग्लाइकोजेनोलिसिस चाहिए। बताइए ग्लाइकोजेनोलिसिस कराऊं कि नहीं कराऊं, ग्लाइकोजेनोलिसिस कराऊं कि नहीं कराऊं, बताइए जल्दी से, क्या मैंने गलत लिखा है क्या? तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये और ये समझ में आ गया। अब बचा दो, सेलेक्टिव एगोनिस्ट, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव एगोनिस्ट, सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। मिथाइल मिथॉक्सामिन फिनाइलएफिन एगोनिस्ट है, अल्फ और प्राजोसिन मेरी एंटागोसिन, जितने भी जोसिन आएंगे। अल्फा वन में बड़ा जोश होता है, अल्फा वन को इनहिबिट कर देते हैं तो जोश आ जाता है, ऐसा याद रखिएगा ठीक है। तो अल्फा वन को इनहिबिट करने से जोश आता है, मतलब जोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, सारी मेरी जोसिन वाली सेलेक्टिव अल्फा वन एंटागोनिस्ट है। चलो थोड़ा सा अल्फा टू की तरफ चले, इन भाई साहब के क्या हाल है पता करके आते हैं। अल्फा टू मैंने आप लोगों को बोला ये प्री जंक्शनल प्रेजेंट होंगे, लेकिन मेनली बात करेंगे तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे? पोस्ट जंक्शनल। प्री जंक्शनल मेनली प्रेजेंट है हमारे नर्व एंडिंग पे, कुछ पोस्ट जंक्शनल पे भी है, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में और ब्लड में प्रेजेंट है। लेकिन अब यहाँ आओ, ये किससे काम कर रहे हैं? जीआई से। जीआई से काम करेंगे तो सीएमपी क्या होगा? इनहिबिट होगा ना। अगर सीएमपी इनहिबिट हुआ तो सारा एक्शन डिक्रीज ही होगा ना, इनहिबिशन ही होगा ना। चलो तो इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मेरा कुछ पॉइंट पे देखने को मिलेगा, बट इसका डायरेक्ट यहां कोई रिलेशन नहीं। डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज और प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है मेरे प्राइम वाले बच्चों, क्लास टेस्ट में यही पूछा गया था। अल्फा टू प्लेटलेट एग्रीगेशन, अल्फा टू प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब इसकी एगोनिस्ट हो गई क्लोनिडिन मिथाइल डोपा, इसका एंटागोनिस्ट हो गई योहिम्बिन रावोलसिन, लेकिन मेनली मेरी कौन सी है? योहिम्बिन क्लास की ड्रग है। कहाँ गए आप भाई? चलिए बीटा को भी जल्दी से समराइज कर लें। जीआईटी कॉन्ट्रैक्शन होगा वैशाली, कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, बहुत बढ़िया। सर क्लोनिडिन तो एंटी हाइपरटेंशन के लिए होता है। दीपांशु बेटा सुनो, एंटी हाइपरटेंशन कहो तो दत्ता कर दें, कहो तो ना करें। चलो सुनो दीपांशु, आपका क्वेश्चन क्या है? एंटी हाइपरटेंशन यूज होता है, एकदम करेक्ट है, मतलब ये मेरे हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, एकदम करेक्ट है। लेकिन कैसे? हमने अभी बात किया कि क्लोनिडिन मेरी एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है तो वो नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को इनहिबिट करेगी क्योंकि ऑटो रिसेप्टर पे काम कर रही है। अगर नॉरएड्रेनालिन रिलीज कम हुआ तो क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा या डिक्रीज होगा? तुरंत आप बोलोगे सर डिक्रीज होगा, आंसर आपको मिल गया। विक्ट्री, आपका पूछने का मतलब है कि मैं प्राइम की क्लास में ऐसा ही पढ़ाता हूं या नहीं? मेरे बच्चे बताएंगे, मैं क्या बताऊं यार। सर एक क्वेश्चन है, आप लाइव क्लास डेली लेते हैं या नहीं? क्योंकि सर हम कंफ्यूज हैं और हम लेट हो जाते हैं क्लास में, इसलिए सर आप कौन से डे लाइव क्लास लेते हैं प्लीज आंसर। स्मिता गुप्ता, बेटा एक ही चीज बोलूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जब क्लास होगी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी डेली थोड़ी सी कुछ रीजन से नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द ही हमारी डेली क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। सर आप कुछ स्टडी मटेरियल बिना जीडीसी प्राइम वालों स्टूडेंट को रोज प्रोवाइड करेंगे? कर रहे हैं बेटा।
चलिए आइए, क्या पढ़ा था? बीटा वन हार्ट में, जेजी सेल्स ऑफ किडनी में प्रेजेंट है, बीटा टू, अब बीटा वन ये सब हमारी किस प्रोटीन से है? जीएस प्रोटीन से है, कोई डाउट नहीं है। बीटा टू हमने ब्रोंकाई, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, लीवर, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट सब जगह हमारी प्रेजेंट है। बीटा थ्री एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है। हमने बीटा वन का एगोनिस्ट बोला, कई बार ये पूछा गया, बीटा वन का एगोनिस्ट डोब्यूटामिन, और एंटागोनिस्ट जितने में भी मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, यानी हम इसको EMBA के नाम से याद रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? EMBA, इस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, एसीबुटोलॉल, ये हमारी EMBA एंटागोनिस्ट आ जाती हैं। वाइल अगर बीटा टू की बात करता हूं, एगोनिस्ट हो गई सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, एंटागोनिस्ट हो गई अल्फा मिथाइल प्रोप्रानोलॉल। बीटा थ्री की बात करते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों यही आया था ना कि हमारा बीटा थ्री का एगोनिस्ट क्या होता है, मिराबेग्रॉन होता है, ये आपको आंसर मिल गया होगा। एंटागोनिस्ट अभी एक्चुअली पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। चलिए सर, आपका हर लेक्चर बहुत इंटरेस्टेड लगता है। ठीक है, अल्फा में मिथाइल डोपा एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है क्या सर? अल्फा मिथाइल डोपा एंटी हाइपरटेंशन ड्रग है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल है। मेटाबोलिज्म ऑफ CMT करेगा क्या? नहीं, वो इनहिबिट करेगा रिलीज को। सर हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लो देखो यार, सामने ऐसे ही क्लास होता है प्राइम क्लास में। क्रोनिडिन डिक्रीज हाइपरटेंशन, इज इट राइट सर? आई एम फ्रॉम UP। ओके जी, यस यू आर क्यूट। अरे भैया रिया, आप कहाँ से हमको क्यूट बोल देते हो यार? क्यूट तो नहीं हूँ बट जोक अपार्ट, ये क्लास ऑलवेज रहेंगी। हाँ जी, बिटॉक्सोलॉल सर, एगोनिस्ट प्लीज समझाओ थोड़ा आपके लैंग्वेज में। चलिए आ जाइए, कहाँ गए आप? आप भी आओ, आपके बिना काम कैसे चलेगा? जीपैट 2020 के लिए GDC पैकेज है क्या सर? धीरज, डाउनलोड GDC क्लासेस है, आप सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप हमारे आइडियल हो सर। थैंक यू, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग हमारी किस रिसेप्टर पे काम करती है? सेलेक्टिव तो हमने बात कर लिया ना कि सेलेक्टिव अल्फा वन एगोनिस, सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस, सेलेक्टिव बीटा वन, सेलेक्टिव बीटा टू, सब बात कर लिया। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, स्क्रीन दिख रही होगी शायद, आपको कंटेंट भी दिख रहा होगा। चलो आ जाओ, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इनके एगोनिस्ट की बात करता हूं, एड्रेनलिन की बात करते हैं। एड्रेनलिन अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू एंड वीक बीटा थ्री एक्शन, भविष्य है कि नहीं? यहाँ पे तुरंत एक लाइन का आंसर देना, जो बोलते हो क्या बोलते हो कि क्या बोलते हो, शुरू के चार, शुरू के तीन, लास्ट के तीन, हाँ वही वाली लाइन। ठीक है, तो अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू पे एड्रेनलिन काम करती है, बट वीक बीटा थ्री एक्शन होता है, मतलब बीटा थ्री पे काम नहीं करती है। नॉर एड्रेनलिन की बात करते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन पे काम करती है, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन पे काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा वीक, इसका मतलब बीटा टू और बीटा थ्री पे नॉर एड्रेनलिन का एक्शन नहीं होता है। ठीक, आ जाओ बेटा, आइए रिसेप्टर की बात करते हैं, अब एक एक लेते हैं। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्फा वन एगोनिस्ट, फिनाइलएफ्रिन, मेथॉक्सामिन, ये आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव अल्फा टू एगोनिस्ट, क्लोनिडिन, अभी बताया। क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट ऑन द बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑन द बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, आपका आंसर हो जाएगा आइसोप्रेनिलिन। ठीक है, ये अंत के तीन वाले हैं। नेक्स्ट डो ब्यूटामिन बीटा वन पे, सॉल ब्यूटामोल टर्ब्यूटालिन सॉलमेट्रोल फॉर्मेट्रोल सब मेरी बीटा टू पे काम करेंगी। नेक्स्ट आते हैं ब्लॉकर एंटागोनिस्ट के बारे में, अल्फा वन अल्फा टू दोनों को ब्लॉक करने वाली नॉन सेलेक्टिवली अल्फा ब्लॉकर मेरी कौन सी है, फेनोक्सीबेंजामिन है। अल्फा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर प्राजोसिन, अल्फा टू सेलेक्टिव ब्लॉकर योहेम्बिन, बीटा वन प्लस बीटा टू मींस नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ब्लॉक करने वाली मेरी कौन सी हो गई, प्रोप्रानोलॉल। बीटा वन सेलेक्टिव ब्लॉकर अभी आपको मैंने बोला था ईएमबीए, याद रखिएगा इनसे हमारी ड्रग निकल आएंगी। ये सारी ड्रग मेरी यहाँ पे हो गई, ये सारी ड्रग यहाँ पे आ गई। बीटा थ्री भी नॉर एड्रेनलिन, बीटा थ्री भी नहीं करती नॉर एड्रेनलिन, ये ठीक है। एनए नो एक्शन ओनली बीटा टू, सर अकॉर्डिंग टू केडी त्रिपाठी एनए नो एक्शन ओनली बीटा टू, बेटा एनए नो एक्शन ऑन बीटा टू एंड बीटा थ्री अकॉर्डिंग टू केडी त्रिपाठी बुक ही बोल रहा हूं बेटा, परेशान बिल्कुल मत होना। अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन पे काम करती है, ठीक, ये कहानी समझ में आई। चले आगे चले बेटा, अब असली चीज आती है, जितना हमने पढ़ा उसको कोरिलेट करें, करने की बारी आई, अब मेहनत करोगे। सारी लॉल ओके सर, ये पिंडोलॉल भी नॉन सेलेक्टिव है क्या? हाँ, पिंडोलॉल नॉन सेलेक्टिव विद द इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। ओके सर, इतने सारे ट्रिक बना लिए बट कौन सी ट्रिक किसमें यूज होगी कंफ्यूज हो रहा हूं। गौरव एक काम करो, लिखने की कोशिश करो, लिख के बताना फिर बताना। चलिए आ जाइए सर, ब्लॉकिंग एंड मिमिटिंग मतलब, अरे पगले बच्चा काजल, ब्लॉकिंग का मतलब एंटागोनिस्ट और मिमिटिक मतलब एगोनिस्टिक एक्टिविटी। तो पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्फा वन एगोनिस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्फा वन एंटागोनिस्ट, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। आइए चलिए जल्दी से कंफर्म करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आज यहीं पे बंद करेंगे, जल्दी आ जाओ। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अल्फा वन हमने बात किया, अल्फा वन कहां प्रेजेंट है, आई में। आई में कॉज करता है क्या, माइड्रियसिस। अच्छा मेरे बच्चों जल्दी से मुझे बता दो, ये माइड्रियसिस एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, जल्दी बताइएगा। क्या होगा, एक्टिव होगा कि पैसिव होगा, बहुत अच्छे से ग्लाउकोमा में आप लोगों को बताया था। सिलरी वैसोडाइलेशन करेगी और ये सिक्रीशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर बीटा टू रिसेप्टर हमारा ये करेगा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मैंने आपसे क्या बोला था, सर इतना स्लो क्यों पढ़ाते हो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, ये मेरी कौन सी होगी, एक्टिव माइड्रेसिस होगी, एक्टिव माइड्रेसिस होगी। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा की बात करते हैं, मतलब यूरेथ्रा में प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला था कि हमेशा ये प्रेजेंट होगा और कहां पे प्रेजेंट होगा, इंड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, और इंड पोजीशन में प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से क्या करेगा, उस पे कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और यहां कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो गया तो उसकी वजह से मेरा यूरिन आउटफ्लो क्या हो जाएगा, लेस यूरिन आउटफ्लो होगा, क्योंकि ये बंद कर दिया गया, गेट बंद हो गया। सेम, चलो सेम अगर मैं आपको जीआईटी में भी लेके चलूंगा तो जीआईटी में भी मेरा ये एनल स्फिंक्टर में प्रेजेंट होगा और एनल स्फिंक्टर को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन नहीं होगा। अल्फा टू हमने बात किया, प्रीसिनेप्टिक रिसेप्टर पे प्रेजेंट होता है मोस्टली। बीटा वन हार्ट में प्रेजेंट है और क्या करेगा, टैकीकार्डिया कॉज करेगा, क्या करेगा, टैकीकार्डिया कॉज करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और जेजी सेल से रेनिन को रिलीज कराएगा। एक एक ऑर्गन लेके चलो, आ जाओ बेटा जल्दी। मैंने बोला बीटा वन किडनी में क्या करेगा, आप बोलोगे सर रेनिन रिलीज कराएगा। अल्फा वन पे क्या करेगा, अगर कैपिलरी की बात हो गई तो वैसोडाइलेशन कराएगा, और अगर ब्लड वेसल्स की बात है तो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, क्योंकि ईडीआरए फैक्टर को अलग कर देना। नेक्स्ट मैंने बोला क्या, नेक्स्ट अगर हम बोल रहे हैं एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला अल्फा वन बीटा वन बीटा टू की बात किया, अल्फा वन कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, साथ में ये सेल से क्या कराएगा, इंसुलिन का रिलीज कराएगा, एनल इंस्फिंक्टर अभी बात किया, अल्फा वन एनल इंस्फिंक्टर में प्रेजेंट है और हमारा एक्सक्रीशन रिलीज कर इनहिबिट करेगा।
ट्राइगोन इंस्फिंक्टर, अगर हम यूट्रस, अगर हम ब्लैडर की बात करते हैं तो ट्राइगोन इंस्फिंक्टर का कॉन्स्ट्रिक्शन करके यूरिन एक्सक्रीशन कम करेगा। अल्फा वन मेरी क्या है, रेडियल मसल्स ऑफ आयरिस पे सिंपैथेटिक आउटफ्लो के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन करके माइड्रेसिस कॉज कराएगा। बीटा टू मेरा ग्लाइकोजेनोलिसिस कराएगा, एडिपोस टिश्यू बीटा थ्री में लाइपोलाइसिस कराएगा। और अगर मैं बात करता हूं हमारा, ये कंफर्म करो, ब्रोंकाई की बात करते हैं, बीटा टू ब्रोंकाई में ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, बीटा वन हार्ट में क्या करेगा, टैकीकार्डिया करेगा, और बीटा टू प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या करेगा, यहाँ पे मेरा रिलैक्सेशन कॉज करेगा। ये सारे एक्शन आपको एक ही जगह देखने को मिल गए, बताइए सारे एक चीज कंफर्म हो गए कि नहीं, एक ही लोकेशन पे। चलिए अब बीटा टू की बात करें, बीटा टू कहां कहां प्रेजेंट है आइए देखते हैं। ब्रोंकाई में मैंने बोला ब्रोंकोडाइलेशन, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन क्यों करेगा, क्योंकि हमने बात किया ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन। जीआईटी में अगर रिलैक्सेशन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, यूट्रस को रिलैक्स करेगा। स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, स्केलेटल मसल्स में डायलेशन कॉज कराएगा, लीवर में ग्लूकोज प्रोडक्शन कराएगा, क्योंकि मुझे भागना है, मुझे ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। स्केलेटल मसल्स की क्या बात करेंगे, अगर एक्टिवेट होगा तो ट्रिमर एक्टिवेट कराएगा, लेकिन इसको यहां मत पढ़ना, ये आगे काम की चीजें आएंगी। और बीटा थ्री एडिपोस टिश्यू में लाइपोलिसिस कराएगा। ये सारे ऑर्गन्स आपको एक जगह एक लोकेशन पे कंफर्म कर दिया। बताइए बच्चों मेरी बात समझ में आई हो तो, कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो, कंटेंट समझ में आया हो तो, डाउट जो हो वो भी पूछ लेना, लेकिन डाउट मत रखना। मैं अपने बच्चों से हमेशा यही बोलता हूँ, डाउट जो हो वो क्लियर कर लेना, लेकिन डाउट मत रखना। लेकिन ऑटो रिसेप्टर है अल्फा टू, आप समझ ही नहीं रहे हो, मैंने बोला अल्फा टू ऑटो रिसेप्टर है, वो नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा, नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को इनहिबिट करेगा, यही पॉइंट हमने यहाँ पे कंफर्म किया। रिपीट कॉन्स्टिपेशन, चलो सपोज ये है मेरी इंटेस्टाइन। अब अगर मैंने इस इंटेस्टाइन को रिलैक्स कर दिया, बताओ इस इंटेस्टाइन को रिलैक्स कर दिया, मतलब अब इसकी साइज ये ब्लू कलर वाली साइज हो गई, बताइए क्या एक्सक्रीशन होगा क्या, नहीं। और अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो इसमें फूड कंटेंट भर जाएगा, फूड कंटेंट भर जाएगा तो क्या कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं, बताओ जल्दी। नीलाद्री अब बताओ कंफर्म हुआ कि नहीं, कहानी बनकर इजीली समझ आता है सर, प्रेग्नेंट यूट्रस वाला फर्स्ट, फिर से चलो सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ओके आपके साथ फिर से रिपीट किया तो फिर से रिवीजन हो गया। चलिए रोमिता बहुत बढ़िया, सर ये रिसेप्टर हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लाइपोलिसिस क्या है, नो यस होगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन, परफेक्ट सर, नो मूवमेंट कॉन्स्टिपेशन। एमसीक्यू मैराथन कब से करेंगे दिव्या, जब से आप लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तब से, बताओ। एमसीक्यू मैराथन का 1000 बच्चों का टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक क्लास पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट सभी लोग, अभी अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्लास कब हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, कहां हो रही है, प्लीज GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। किसी ने अगर नहीं किया है बहुत बेनिफिशियल आपका होने वाला है। रीजन बता दूं, जितने क्वेश्चन हम यहाँ कंटेंट पढ़ेंगे उनके क्वेश्चन आप वहां फ्री में सॉल्व कर सकते हो, वीकली टेस्ट में, फार्मा हेल्पिंग हैंड टेस्ट में, या डेली टेस्ट में, फार्मासिस्ट टेस्ट में, या DI टेस्ट में, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, GDC क्लासेस इज द बेस्ट ऐप फॉर ऑल योर प्रिपरेशन, एनी फार्मा एग्जाम प्रिपरेशन। तो किसी ने भी अगर नहीं किया है प्लीज अभी जाओ, पहले GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। यूट्रस में इंफेक्शन क्यों होता है, अब ये तो अलग कहानी हो गई, इसको यहां से कोरिलेट मत करो। अल्फा टू को ऑटो रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट प्रेजेंट ऑन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जितने भी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट हैं वो सब हमारे इसी में हैं। टेलीग्राम पे कोई भी कंटेंट बेटा, वीडियो आप कंटेंट पढ़ो, आप PDF इन सब चीजों के चक्कर में परेशान मत हो, पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, किसी भी चीज के लिए ये मत परेशान हो कि नहीं सर ये कंटेंट मिले ये PDF मिले, पढ़ लो वो जरूरी है। चलिए
वीकली टेस्ट दो बेटा, वीकली टेस्ट में आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिसेप्टर, अदर एग्जाम्पल चलो पढ़ लो, S3 रिसेप्टर होता है, 5ST1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, इन सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। विकी, आप लोगों का प्यार जो मिल गया वही बहुत है। चलिए सर, ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। सजेस्ट बेस्ट बुक्स फॉर जीपैट। एक बुक तो हो नहीं सकती है, एक बुक नहीं हो सकती है सर। ये जीडीसी की टी शर्ट हमें खरीदनी है। दस पगला, जीडीसी टी शर्ट नहीं बेचती है, आपको कंटेंट और आपका नॉलेज आपको देती है। सर ये ST रिसेप्टर नहीं समझ आया। HT रिसेप्टर कौन सा भैया? HT रिसेप्टर अभी कहाँ पढ़ाया? ठीक है, चलिए बच्चों, फिर आज क्यों ना आज की क्लास यही एंड करते हैं, इस सेशन को कल कंप्लीट करते हैं, बाकी चीजों को कल कंप्लीट करके फाइनल करते हैं। कल सेकेंड पार्ट में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब कब आओगे लाइव? होप सो कल ही आके खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड नाइट। सो फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ, नए नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच।